Hello students, I am Pawan Yadav, working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss a very important topic of the chapter Application of Derivative, and that important topic is Tangents and Normal. तो बेटा अगर मैं tangent और normal की बात करूं, तो इसके ऊपर आप मान के चलना कि एक question exam में अक्सर आता ही आता है. टेंजेंट और नॉर्मल इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना. और वैसे टेंजेंट का नाम तो आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी सुना होगा, कि वहां पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ी थी. तो अगर हम यहां पर बात करें कि भाई टेंजेंट है क्या एक्चुअल में और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, तो वो एक बार समझने का प्रयास करते हैं. देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कि मैं अगर एक कर्व लूं, मान ले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है बेटा. अब इस कर्व के ऊपर कोई न कोई बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, भाई यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है. लेकिन कोई भी हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इसको P नाम दे देता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1. तो बेटा होगा क्या कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम हमने क्या दे रखा है, x1 y1. सिमिलरली अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो भी एक ही टेंजेंट होगा. मतलब एक बात आप समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा. तो ये तो बात हो गई टेंजेंट की. तो टेंजेंट है क्या बेटा, टेंजेंट एक तरह से एक लाइन ही तो होगी, तो हमें क्या निकालनी है, एक तरह से लाइन की इक्वेशन निकालनी है. जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे, जो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से, ठीक है. और आप याद करो बेटा, 11th क्लास में आप पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, याद करो, अगर x1 y1 कोई पॉइंट होता था और अगर m स्लोप होती थी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1. तो इसका मतलब पॉइंट तो हमें पता चल गया, तो स्लोप कैसे निकालेंगे उसकी भी बात करेंगे, ठीक है. लेकिन आप इतना समझ लो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट एक लाइन होगी जो एक पॉइंट से पास करेगी और कुछ उसकी स्लोप होगी. बात कर लेते हैं नॉर्मल की. एक्चुअल में नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल की भी एक लाइन ही तो होगी, और वो लाइन क्या होगी, इस टेंजेंट की लाइन के परपेंडिकुलर होगी. जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपके पास लाइन आई ना, ये तुम्हारी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो एक बात तो कॉमन है कि अगर मैं चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं, चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, दोनों का जो पॉइंट होगा जिससे पास हो रही है वो दोनों लाइनें, वो सेम होगा, और उसको हमने क्या नाम दे रखा है, x1 y1. तो आपको बेटा करना क्या है इसके अंदर, देखो जिसकी मैं स्लोप की बात कर रहा हूं ना m की, तो वो कैसे निकालोगे, तो जनरली आपको ये कर्व दे रखा है, तो कोई ना कोई क्या होगा, y इज इक्वल टू आपको fx होगा, कोई ना कोई कर्व होगा, तो आपका x में कोई ना कोई फंक्शन होगा. तो आपको करना क्या है, यहां पे स्लोप निकालने के लिए आप निकालोगे dy/dx. क्या निकालोगे, dy/dx, और dy/dx भी किस पॉइंट पे निकालोगे, x1 y1 के ऊपर. तो मैं कह देता हूं dy/dx निकालेंगे एट पॉइंट x1 y1, और इसी को हम क्या बोलेंगे, dy/dx को, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या बोलेंगे इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट.
तो जब ये स्लोप आपके पास आ गई, पॉइंट आपको पता है x1 y1, तो बताइए इक्वेशन क्या होगी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या होगा बताओ, y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट क्या दे रखा है हमें x1 y1, यही तो दे रखा है पॉइंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m क्या होता था बताइए, m होता था स्लोप, तो स्लोप क्या आई हमारी dy अपॉन dx, किस पॉइंट के ऊपर x1 y1 इनटू x माइनस x1। ये बेटा आपके पास आ जाएगी किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई y इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और जो पॉइंट आपको दे रखा है वो मान लिया वन वन दे रखा है, और मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बताइए कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो स्लोप निकालिए, dy बाई डी एक्स टू एक्स आ गए। आप क्या कहा मैंने, स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है dy बाई डी एक्स, एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे किसके ऊपर एट पॉइंट वन वन, तो बेटा वन वन के ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू वन और y की वन, तो x की जगह वन पुट कर दीजिए तो ये तो टू आ जाएगी। इसका मतलब स्लोप कितनी आ गई टू, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, y1 की वैल्यू वन है, विल बी इक्वल टू m, m कितने स्लोप, याद करो dy by dx at x1 y1, ये हो जाएगी आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम सोल्व कर लेंगे, y माइनस वन इजकल टू टू एक्स माइनस टू, और 2x माइनस वाई माइनस वन इजकल टू जीरो, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये तो बेटा हुई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका हुआ। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ये तो बात टेंजेंट की है, तो याद है बेटा आप क्या करते थे, याद करो जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आप निकालते हो और जो नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो याद करो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था 11th की स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता था कि टू लाइंस विल बी पैरेलल इफ, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये आप पढ़ चुके हो m1 इज इक्वल टू m2। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था क्या, टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये बेटा आपने इलेवेंथ में पढ़ा है। तो आप बताइए ये दोनों लाइनें भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और मुझे इसकी स्लोप पता है टेंजेंट की, क्या है स्लोप, dy by dx at x1 y1, तो यहां पे मैं नॉर्मल की कैसे निकालूंगा, मान लिया m2 नॉर्मल की है, तो m2 क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन m1, मतलब माइनस वन अपॉन जो स्लोप तुम्हारी टेंजेंट की थी, और टेंजेंट की क्या स्लोप थी जरा ध्यान करो, dy by dx at x1 y1। तो बताइए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगी y माइनस y1 विल बी इक्वल टू, देखो पॉइंट तो वही x1 y1 है, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है देखो, माइनस वन अपॉन m1, m1 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये आ जाएगी माइनस वन अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये बेटा आपके पास आ गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास इक्वेशन आ गई किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप क्या याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड हैविंग दिस वन स्लोप,
देन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और नॉर्मल में क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जो भी टेंजेंट की स्लोप है इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं एक्चुअल में कि स्लोप निकालने के तरीके क्या क्या हैं। भाई हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, कि भाई क्या क्या डिस्कस कर लिए जरा बताइए। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड हैविंग स्लोप एम, क्या था बताओ, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम हो गया बेटा आपका स्लोप। और यहीं पे अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पे याद रखना आप कि क्योंकि ये नॉर्मल है तो जो टेंजेंट की स्लोप थी उसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्लोप निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, तो वो हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्लोप, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्लोप। तो देखो बेटा पहला जो मेथड है वो तो मैंने आपको बताया क्या, कि अगर y तुम्हारा एफ एक्स का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x में, मतलब कोई कर्व है, तो उसकी स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx, क्या निकाल दोगे, dy अपॉन dx। और अगर कोई पॉइंट भी गिवन है, जैसे मान लिया मैं पॉइंट पूछे x1 y1 पे पूछे, तो यहां पे स्लोप निकाल दो x1 y1 पे। एक तरीका तो ये हो गया स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका है बेटा, इफ थीटा इज गिवन, अब आप समझते हैं थीटा क्या है, भाई वो जो टेंजेंट है ना, जो आपका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, जैसे आपको पता ही है, जैसे कोई लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, ये थीटा है। तो इफ थीटा इज गिवन देन स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब यहां पे थीटा को समझना बहुत जरूरी है कि थीटा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो लाइन वो होता था, याद करो। और एक और होता था स्लोप निकालने का तरीका, याद करिए बेटा, कि इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, याद आया आपको, अगर एक एक्स वन वाई वन है और एक एक्स टू वाई टू है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट गिवन है, तो स्लोप कैसे निकालते थे, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक और भी तरीका होता था फोर्थ, याद करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद आया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे कैसे निकालते हैं, फोर्थ पॉइंट से, जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी लाइन की, मान लिया 2x plus 3y plus 6 is equal to 0, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप, यहां पे 3y is equal to minus 2x minus 6, तो y आ जाएगा minus 2 by 3x minus 6 upon 3, ये तुम्हारा बेटा स्लोप आ गई m की वैल्यू, इससे कंपेयर करेंगे और स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि यहां पे ये फोर मेथड्स मैंने आपको बताया, ज्यादातर जगह पे कर्व गिवन होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पॉइंट को पुट कर देना, स्लोप आ जाएगी।
थीटा गिवन है तो टेन थीटा, टू पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर x और y में कोई इक्वेशन दे रखी हो तो आप स्लोप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसके अलावा जो दो मास्टर फॉर्मूले हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो मेन है स्लोप निकल जाए और पॉइंट पता हो तो दोनों इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो कॉन्सेप्ट में यूज होंगे वो भी आपको एक बार बता देता हूं, जिससे कि एक्सरसाइज भी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो बेटा वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा, अगर याद रखना पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा तो वहां पे dy by dx जो होगा ना बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy by dx, उसकी वैल्यू जीरो। समझ गए होंगे आप बात, रोल्स थ्योरम में भी तो हम यही तो करते थे बेटा, एक ऐसा पॉइंट निकालते थे जहां पे जो टेंजेंट होता था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता था, याद कर लीजिए, तो dy by dx आपका क्या होगा, जीरो होगा। जब भी कभी आपको कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आप वहां पे स्लोप जो dy by dx है उसको जीरो कर दोगे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल मतलब थीटा जीरो डिग्री तो आपकी स्लोप हो गई जीरो dy by dx। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और चाहे तो मैं कह दूं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह दूं, और क्या कह सकता हूं, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या कहा मैंने, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है तो चाहो तो आप इससे परपेंडिकुलर कह दो, ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस की तो परपेंडिकुलर हो गई, और चाहो तो आप इसको वाई के क्या कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो, एक ही बात है। तो अब थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान करो 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ बेटा, m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 मतलब इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या हुआ कि भाई जो dy by dx पहले जीरो हो रहा था तो अब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, dx upon dy will be equal to, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 upon infinity, और 1 upon infinity क्या होता है, 0। तो आपके ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, क्या अगर कोई कहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये बेटा लाइन ऑटोमेटिक जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी ना वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, समझ लीजिए आप ये बात, पैरेलल टू x एक्सिस कह दूं चाहे y के परपेंडिकुलर कह दूं तो आपको dy by dx को क्या पुट करना है, जीरो रखना है, और अगर कोई ये कहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मतलब y के पैरेलल तो आप dx upon dy को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो याद रखना है, बाकी तो आपको बता ही चुका हूं टू कर्व कब ऑर्थोगोनल होंगे, देखिए टू कर्व विल बी ऑर्थोगोनल मतलब दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, ऑर्थोगोनल कब होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, तो आपको यहां लगाना है m1 into m2 is equal to माइनस वन, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, वही तुम्हारा लाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन होता है। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे टेंजेंट और नॉर्मल में यूज होने वाले हैं, इसमें मेन दोनों की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके अलावा आपको मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्लोप आनी चाहिए, और ये अगर आपको आती है देन लास्ट में दो फॉर्मूले बताए हैं कि
कि अगर कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy by dx जीरो कर देंगे, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस कहे तो dx अपॉन dy जीरो कर देंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल।